आइए आज बनाते हैं बिहार और झारखंड का ये स्टेपल फूड जिसे कहते हैं लिट्टी चोखा। अक्सर इस डिश को हम चूल्हे में बनाते हैं, लेकिन आज हम इसे माइक्रोवेव ओवन में कैसे बनाएंगे वो देखेंगे। लिट्टी चोखा पूरे विश्व में बहुत ही प्रसिद्ध हुआ है और सभी लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। आज हम ये लिट्टी चोखा के साथ इसकी ही रेसिपी से दाल बाटी कैसे खा सकते हैं वो भी बताएंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छा और बेहतरीन लिट्टी चोखा माइक्रोवेव ओवन में बनता है। दाल बाटी भी कुछ इसी तरह होती है, जो कि राजस्थान में फेमस है और इसमें बहुत सारा घी इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ये लिट्टी चोखा और दाल बाटी माइक्रोवेव ओवन में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियंका चौरसिया, हैप्पी कुक बेक चैनल में आपका स्वागत है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। पहले हम बना लेते हैं लिट्टी। 4 कप गेहूं के आटे को छान लिया है, इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, 1/4 चम्मच डालेंगे बेकिंग सोडा और 1 चम्मच डालेंगे बेकिंग पाउडर। टेस्ट के लिए हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच अजवाइन, हाथों से क्रश कर लेंगे हथेलियों से इस तरह, और इसे हम डाल देंगे ताकि इसके फ्लेवर्स सभी जगह पे आ जाए। मिक्स कर देंगे इस मिश्रण को अच्छी तरह। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप ये तेल, आप तेल के जगह पे घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर देंगे। आधा कप तेल लिया है हमने 4 कप आटे के लिए। अच्छे से मसल लें और जब इसकी मुट्ठी बनने लगे तब हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी और इसका सख्त आटा गूंथ लेंगे। ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए। ये देखिए कुछ इस तरह आटा बिल्कुल तैयार है। इसे हम ढक के साइड में रख देंगे। आइए तब तक हम लिट्टी के अंदर की स्टफिंग बना लेते हैं। यहाँ मैंने ले लिया है 1 कप सत्तू, 1/2 कप बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे, 6 से 7 लहसुन की कलियाँ हैं जिसे बारीक काट लिया है वो भी डाल देंगे, 1 इंच अदरक है उसे भी बारीक काट लिया है वो भी डाल देंगे, 2 से 3 हरी मिर्च है बारीक चॉप करके डाल दिया है, और ये हरा धनिया है 2 से 3 बड़े चम्मच। अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे स्वाद अनुसार नमक डालकर, और 1 चम्मच तेल डाल देंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास सत्तू का आटा ना हो तो आप इसमें बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसन को थोड़ी देर के लिए भून लें और फिर उसे इस्तेमाल करें। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे अच्छे से एक सॉफ्ट डो की तरह बना लेंगे, जिसे हम अच्छे से बाइंड कर सकें और लिट्टी के अंदर भर सकें। सत्तू का आटा भी बेसन और जौ के आटे से बनाया जाता है, जिसे भूनकर उसे पीस लिया जाता है। करीबन 1/4 कप पानी से ये अच्छी तरह बाइंड हो जाता है। आइए अब हम लिट्टी बनाना शुरू करते हैं। जो हमने डो बना के रखा था उसमें से एक छोटा पोर्शन लेंगे एक लोई के आकार का, और उसे अच्छे से मसल कर उसका एक बड़ा सा पेड़ा तैयार कर लेंगे। और जैसे हम पूरण पोली में पूरण भरते हैं या फिर आलू के पराठे में आलू भरते हैं, उसी तरह इस आटे के पेड़े की कटोरी बनाकर उसके अंदर हम ये लिट्टी का स्टफिंग भर देंगे। अब थोड़ा सा स्टफिंग हाथों में लेकर उसका एक पेड़ा बना लेंगे और इसे हम ये इसके अंदर भर देंगे और अच्छे से सील कर देंगे। लीजिए तैयार है ये लिट्टी। इसी तरह हमने 5 लिट्टियाँ बना ली है, और जैसे कि हम इसे माइक्रोवेव ओवन में बेक करेंगे तो इसे मैंने केक टिन के अंदर रख दिया है, और माइक्रोवेव ओवन को हम कन्वेक्शन मोड पे 200 डिग्री सेल्सियस पे प्रीहीट कर लेंगे और फिर इसे हम 10 मिनट के लिए एक साइड पे बेक कर लेंगे। जैसे ही 10 मिनट हो जाएंगे हम इसे वापस चेक कर लेंगे और इसे हम इस तरह पलट देंगे। ये देखिए अच्छे से बेक हो चुके हैं और थोड़े साइज़ में बड़े भी हो गए हैं। अब इसे इस तरफ भी हम उसी 200 डिग्री सेल्सियस कन्वेक्शन मोड पे 10 मिनट के लिए वापस बेक कर लेंगे। याद रहे कन्वेक्शन मोड पे प्रीहीट करने के बाद ही इसे हमें बेक करना है।
हो गया है 10 मिनट। अब हम चेक कर लेते हैं लिट्टी को। लिट्टी अच्छी तरह पक चुके हैं। आप चाहें तो लिट्टी को गैस पे भी बना सकते हैं, इस तरह तवे पे रख कर ये अच्छे से बेक हो जाते हैं। उसी तरह 10 से 15 मिनट लगते हैं इसे पलट पलट कर सेकने के लिए। आइए अब हम चोखा बना लेते हैं। चोखे के लिए हमने लिया है 2 बड़े बैंगन, और जिसे हम इस तरह चीरा लगा लेंगे, और इसके अंदर हम ये लहसुन की कलियां भर देंगे। चोखे को भी आज हम माइक्रोवेव ओवन में बनाएंगे। आप चाहें तो इसे डायरेक्ट चूल्हे पे या फिर गैस पे सेक सकते हैं, या फिर आप माइक्रोवेव ओवन में जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ वैसे भी बना सकते हैं। इस तरह मैंने 2-2 लहसुन की कलियां हर एक चीरे में भर दिया है। इसी तरह हम दूसरे बैंगन के साथ भी करेंगे। ये एक तैयार है, दूसरा वाला तैयार कर लेते हैं, और इसे हम एक माइक्रोवेव सेफ बाउल में रख देंगे, और ओवन के अंदर रख के इसे माइक्रोवेव हाई पावर मोड पे 10 मिनट के लिए हमें कुक कर लेना है। माइक्रोवेव हाई पावर मोड पे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद जब हम इसे देखेंगे तो ये अच्छी तरह से पक चुके होंगे, और आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है। इसे हम थोड़ा ठंडा होने देते हैं और फिर इसके ऊपर की स्किन निकाल लेंगे। अब उसी तरह हम टमाटर को भी माइक्रोवेव ओवन में कुक कर लेंगे। इसे 6-7 मिनट लगेंगे हाई पावर मोड पे कुक होने के लिए। ये देखिए कुछ इस तरह दिखता है। बैंगन का छिलका हमने निकाल लिया है। आइए अब ये टमाटर का छिलका भी निकाल लेते हैं। ये दोनों प्रोसेस आप गैस पे भी कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो। अगर आप माइक्रोवेव ओवन में बनाना चाहते हैं तो उसमें भी बना सकते हैं। अब हम अच्छे से इसे मैश कर लेंगे बैंगन को। बैंगन को अच्छी तरह चेक कर लें अंदर से। बैंगन को हमने अच्छी तरह मैश कर लिया है। अब इसमें हम ये टमाटर भी मसल कर डाल देंगे। हाथों से जितना अच्छे से मसलेंगे उतना अच्छा ये चोखा बनेगा। 5 टमाटर हम इसमें मिक्स कर देंगे अच्छी तरह, और इस बैंगन और टमाटर के साथ हमने इसमें 2 आलू भी डालना है, तो उबले हुए आलू हम इसमें मसल कर डाल देंगे। चोखे का टेस्ट लिट्टी के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपके पास चूल्हा हो तो आप चूल्हे में चोखा बनाएं, उसका टेस्ट और भी बढ़िया आता है। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इसे। ये देखिए कुछ इस तरह लगता है मिक्स होने के बाद। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप बारीक कटा हुआ प्याज, बहुत सारी हरी मिर्ची, 6-7 लहसुन की कलियां बारीक कटी हुई, हरा धनिया बारीक कटा हुआ, नमक स्वाद अनुसार, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी सामग्री अच्छी तरह से मिक्स हो जानी चाहिए। इसके अलग अंदाज के बनाने के वजह से ये लिट्टी चोखा बहुत ही फेमस है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, बहुत अच्छा लगता है टेस्ट में। अब मैंने ये 2 चम्मच सरसों का तेल गरम कर लिया है, उसमें मैंने डाला है 1 चम्मच हींग। हींग पकने के बाद हम इसमें ये सरसों का तेल और हींग का मिश्रण डाल देंगे चोखे में, और इसे अच्छे से वापस मिक्स कर लेंगे। सरसों के तेल की टेस्ट इस चोखे में बहुत ही अच्छी आती है, आप ज़रूर इसे डालें। अगर आपको नहीं पसंद है सरसों का तेल तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। लीजिए, तैयार है बहुत ही बढ़िया और टेस्टी ये चोखा। आइए अब ये लिट्टी चोखा हम सर्व करते हैं। मैंने ऑलरेडी प्लेट में 5 चोखे, 1 कटोरी में घी और 1 कटोरी में दाल ले लिया है, और 1 कटोरी में हमने डाल दिया है ये चोखा बनाया हुआ। एक डिश में आप ये स्टफ्ड लिट्टी चोखा खा सकते हैं, दाल बाटी खा सकते हैं, और ये घी और बाटी भी बहुत अच्छा लगता है। तो जिसमें स्टफिंग नहीं भरा है आप सिर्फ आटे के बाटी भी बना सकते हैं और उसे दाल के साथ खा सकते हैं, जो कि राजस्थान फेमस डिश है। इसे घी में बहुत अच्छी तरह से डुबोया जाता है और इसे दाल के साथ खाया जाता है। बहुत ही आसान रेसिपी है और सारे
अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स होते हैं घर पे, तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपके पास ओवन ना हो तो आप इसे गैस पे भी बना सकते हैं। रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बहुत लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।